स्नैपड्रैगन 460 काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है और इसमें काफ़ी अच्छे स्पेक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे एक्जिनोस के 9611 के साथ में, जो सैमसंग की तरफ से आता है, और M21 जैसे मोबाइल में देखने के लिए मिलता है, जो आपको लगभग 14,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है। और ओप्पो A53 भी इसी प्राइस रेंज के आसपास लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 460 देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 9611 वर्सेस 460 की, कौन सा प्रोसेसर आपको बेटर निकल करके यहाँ पर आता है, परफॉर्मेंस में किसमें ज़्यादा दम है। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इनकी लॉन्च डेट से। गाइस, स्नैपड्रैगन 460 लॉन्च हुआ था हमारा 21 जनवरी 2020 को और एक्जिनोस 9611 लॉन्च हुआ 12 सितंबर 2019 को। तो लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 1.5 साल पुराना प्रोसेसर है एक्जिनोस का 9611। अगर हम बात करते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस की, तो 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है 460 और 9611 है 10 nm पर बेस्ड, यानी कि जो हमारी पावर एफिशिएंसी है वो 10 nm पर, यानी कि एक्जिनोस 9611 पर ज़्यादा होने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोर्स वगैरह की, तो यहाँ पर काफ़ी ठीक कोर्स हुई हैं दोनों के अंदर ही, स्नैपड्रैगन 460 और एक्जिनोस 9611 दोनों में आपको A73 की 4-4 कोर्स मिलती हैं। बट जो 460 है वहाँ पर आपको कस्टमाइज कोर मिलती हैं, जो है क्रायो 240 की, जो 1.8 GHz तक क्लॉक हो सकती है 4 कोर्स, बाकी 4 कोर्स A53 की हैं जो 1.6 GHz तक क्लॉक हो सकती है। अगर 9611 की बात करें तो A73 की 4 कोर्स 2.3 GHz तक क्लॉक हो सकती हैं, और बाकी 4 कोर्स A53 की वो 1.7 GHz तक क्लॉक हो सकती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स वगैरह तो सेम ही है, बट क्लॉक स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है एक्जिनोस 9611 में। अगर हम बात करते हैं GPU की, तो यहाँ पर आपको एड्रिनो का 610 देखने के लिए मिला है स्नैपड्रैगन 460 में, और एक्जिनोस 9611 में मिला है माली का G72 MP3। अगर हम बात करते हैं कि GPU पॉइंट्स की, तो 9611 को लगभग 77 पॉइंट्स मिलते हैं और 460 को लगभग एड्रिनो के 610 को मिलते हैं लगभग 81 पॉइंट्स के आसपास। तो GPU आपका थोड़ा सा बेटर रहने वाला है यहाँ पर 460 का, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको लगभग सेम सी ही यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैमरा सपोर्ट की, तो स्नैपड्रैगन का 460 48 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है और 16+16 का डुअल कैमरे को सपोर्ट कर सकता है, बट एक्जिनोस के 9611 में आपको 64 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट मिलता है और 16+16 का डुअल कैमरा सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा आगे है कैमरा सपोर्ट के मामले में 9611। स्नैपड्रैगन 460 से आप मैक्सिमम फुल HD प्लस वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 60 FPS, बट 9611 में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 120 FPS, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट की, तो स्नैपड्रैगन 460 में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले का मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है और 9611 में आपको QHD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। दोनों में ही आपको डुअल चैनल LPDDR4X RAM का सपोर्ट मिलता है, बट स्नैपड्रैगन 460 में अप टू 8GB है और एक्जिनोस 9611 में आपको 6GB तक मिलता है। यहाँ पर थोड़ी सी क्लॉक्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज है, स्नैपड्रैगन 460 में 1856 MHz है और 9611 में 2093 MHz है। दोनों में ही आपको UFS 2.1 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है स्टोरेज टाइप में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोनों ही आपके 4G प्रोसेसर हैं, और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो स्नैपड्रैगन 460 आपका 390 MBPS तक मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड है और मैक्सिमम अपलोडिंग स्पीड है 150 MBPS तक। एक्जिनोस 9611 की बात करते हैं तो 600 MBPS मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड है और 150 MBPS मैक्सिमम अपलोडिंग स्पीड है। 460 में आपको नेविक का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, बट 9611 में आपको नेविक का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर अंतिम स्कोर की बात करते हैं, तो लगभग एक्जिनोस 9611 के गए हैं 170K के आसपास पॉइंट्स, और स्नैपड्रैगन 460 के लगभग 140K से 150K के बीच में रहने वाले हैं। तो गाइस, बहुत ही टक्कर का मुकाबला इन दोनों के बीच में हुआ। मैं कहूँगा कि ये दोनों प्रोसेसर ही इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक हैं, बट 460 और 9611 दोनों हमारे अंडर 12,000 ही ठीक हैं। अगर इससे ऊपर आपको मिलते हैं तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के मामले में ओवर प्राइस्ड ही होंगे। दोनों में ही आपको A73 की कोर्स मिलती है, दोनों के GPU ही लगभग आपको आसपास परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ जाते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोनों में ही आपको UFS 2.1 का सपोर्ट देने के लिए मिलता है और अंततः स्कोर भी इनके लगभग आसपास ही आते हैं। तो काफ़ी बड़ी टक्कर है, आप देखते हैं कि कौन किसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर पाता है, सब कुछ ऑप्टिमाइज़ पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल तो मैं इस मुकाबले को टाई ही कहना चाहूँगा, क्योंकि दोनों प्रोसेसर ही हमारे लाजवाब और कमाल के प्रोसेसर हैं। 9611 के मुकाबले स्नैपड्रैगन 460 बिल्कुल बराबर ही बैठता है, और 460 के मुकाबले 9611 भी कहीं बराबर ही बैठता है। बट अगर फिर भी हम किसी एक को बताना चाहें विनर, देन मैं कहूँगा 9611 थोड़ी सी स्लाइटली एज ऊपर लेकर के चला जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।